और आप बताइए। मैं स्कूल का प्रोफेसर हूँ और सबसे पहले मेरी मुलाकात विशाल जी से और राइटर आभार जी से हुई। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर हम शुरू हुए इस फिल्म से, आज आपके सामने है फिल्म जो 6 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। सब फिल्म का विवाद से जुड़ रहा है, विवाद डी कंपनी से जुड़ रहा है, आतंकवादी डी। जी जी, तो क्या है, आपने क्या सोचा, विवाद में ये फिल्म फंसेगी नहीं, आपको नहीं लगता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम किसी विवाद से नहीं डरते, हम उस रूट पे चल रहे हैं। और हमने सोचा कुछ एक अलग प्रकार की फिल्म आ रही है, तो इसमें हालांकि ऐसा लग रहा था कि देरी तक रहते हैं, लेकिन हम कभी पीछे हटे नहीं और कॉमेडी फिल्म है। चलेगी। फिल्म की कहानी क्या है सर, थोड़ा कुछ बताइए। अंडरवर्ल्ड डी डॉन दिख रहा है, चिंता दिखाई दे रहा है, तो क्या है उसके अंदर कहानी में कुछ बताइए। कहानी तो हम डायरेक्टर साहब ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता सकता, कहानी हमारे डायरेक्टर साहब बता पाएंगे। कब तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी जिसके बारे में आप बता सकते हैं, और रिलीज कब तक हो जाएगी? और रिलीज डेट 6 जनवरी अनाउंस हो गई है और 6 जनवरी को आ रही है, और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है, सभी लोगों से गुजारिश है देखें। जो फिल्म का टाइटल है कॉफी विद डी, तो एक शो भी चलता है बड़े डायरेक्टर का, तो आपको लगता नहीं कि उनके कॉपी के आप? हाँ, कॉपी किया है, कॉन्ट्रोवर्शियल हम करना भी चाहते होना चाहिए कॉन्ट्रोवर्शियल। मतलब वैसे क्यों, मतलब फिल्म देख लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, कॉन्ट्रोवर्शियल से कुछ ना कुछ चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल या कुछ ना कुछ मिलन हो ही जाता है, ऐसे जानबूझ के नहीं किया हुआ है, लेकिन अब आप जो आपको लग रहा है ठीक है। फिल्म का जो पोस्टर देखा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान, तो कुछ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है इसके अंदर? जी नहीं, कुछ नहीं जुड़ा हुआ जी नहीं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर गाने जैसे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, प्रेम के बारे में हमारे देख रहे हैं कि आपके गाने जो जी गानों के बारे में नहीं वही रखा रहे ना। इसके लिए मुझे और शान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी और हमने कोशिश की कि ऐसी फिल्म में अगर आप अच्छा काम करते हो तो क्रेडिट आपके नाम जाए। रोमांटिक फिल्म है, सोशल फिल्म है, एक्शन फिल्म है, तो उसमें आप गाने कर लेते हो। इस फिल्म में वैसे देखने जाओ तो गाने की कोई गुंजाइश नहीं, अगर हमने 4 गाने निकाले बहुत अच्छी तरह से उसको इंकॉर्पोरेट किया फिल्म में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि निकलने के बाद मुझे तो एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, तो मुझे किरदार अच्छा लगा और
जर्नलिस्ट हैं की फील से किरदार है तो वो किरदार मैंने उस तरह कुछ किया नहीं था तो मेरे लिए एक्साइटिंग मैंने किया तो नाम सेम है जर्नलिस्ट है अर्नब उसका नाम आई थिंक राइटर ने अर्नब घोष है उसका एक्टर का तो आई थिंक तो ईजी बनाने के लिए लोगों को शायद मैंने कुछ उनको डायरेक्टली कुछ कॉपी नहीं किया उस फिल्म में तो ये उनका टेक ऑफ नहीं है उस अर्नब का तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है अर्नब उसका उस कैरेक्टर से कोई उनसे कोई लेना देना नहीं इस कैरेक्टर का अर्नब गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं सर तुमको नजर आ रहा है हमें लग रहा है अर्नब आप ही बन गए हो आजकल जिस तरह का एक जर्नलिज्म एक खास किस्म का जहाँ पे बड़ी उत्तेजना हो रही है वो ऐसे सवाल किए जाते हैं एक खास लहजे से तो मैंने सिर्फ वो लहजा फॉलो किया जैसे कि जो टाइटल है कॉफी विद टी तो जो बड़ा निर्माता है हमारे बॉलीवुड के उसके शो का कॉपी किया है I think it's about interviewing or having some time with the person. So over a cup of coffee as we meet. So coffee with D, of course coffee with this person, coffee with that. Of course बहुत famous show है coffee with Karan. हम सब लोग देखते हैं. तो लोगों के लिए आसान हो जाता है समझना. शायद इस वजह से नाम रखा गया है. मैंने नाम नहीं रखा. तो शायद इस वजह से नाम रखा गया है कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए. कि एक मीटिंग है रेंडेवू है एक इंटरव्यू है सर जैसे कि पोस्टर देखा गया है कि इंडिया पाकिस्तान तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है क्या नहीं इस फिल्म में ये जर्नलिस्ट जो है अर्नब जो इस फिल्म के कैरेक्टर हैं ये पाकिस्तान जाते हैं जैसा कि प्रोमो में आप लोगों ने देखा वहाँ जाके ये इंटरव्यू करते हैं तो यही एक शायद एंगल है तो वही कॉन्ट्रोवर्सी है क्या ज़्यादा इंटरव्यू है और उसके अंदर कुछ सवाल हैं जो कि बहुत सीरियस सवाल नहीं है उसके अंदर ह्यूमर है उसके अंदर कॉमेडी है और आपको मज़ा आएगा देखने में सर हाल ही में कपिल शर्मा में अंडर सेक्शन 187 में FIR दर्ज हुई है तो कुछ बातें हुई कपिल सर से आपकी मेरी इस बारे में बातें नहीं हुई हैं उनसे पर वो मैं उनको जानता हूँ काफ़ी अर्से से हम लोग इकट्ठे काम करते हैं दोस्त भी हैं तो कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते मुझे मालूम है बहुत ही संवेदनशील इंसान है और बहुत केयर करते हैं बल्कि हमारे हर शो में वो स्वच्छता के बारे में बोलते हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा या उनकी मर्ज़ी से कुछ हुआ होगा ऐसा सर जो सेक्शन लगे गए हैं उसमें बताया गया कि जिन्होंने उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था कि जो BMC अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी थी तो उनको आपको लगता है उनको नाम बताना चाहिए भ्रष्टाचार के साथ खड़े ये उनका कॉल है उन्होंने डील किया है इस चीज़ को तो आप ये सवाल उनसे पूछे तो बेहतर होगा बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी वजह से ही सब चेतना रहती है सब जगह और ये बहुत ही जिम्मेवारी वाला प्रोफेशन है ये फिल्म करने के बाद मुझे और समझ में आया तो आप जो कहते हैं लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और लोग बहुत समझदार हैं हम लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है लोगों को सब पता है सब कॉन्शियसली उनको सब मालूम होता है कि ये आदमी सच बोल रहा है ये आदमी झूठ बोल रहा है ये मैंने ऑफ लेट रियलाइज़ किया तो मैं जगह जगह जाता हूँ परफॉर्म करता हूँ लोगों से मिलता हूँ तो उनको सब मालूम होता है और उनका डिसीजन सर आंखों पर जैसा भी होता है तो आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते तो जो सच्चे होते हैं वो टिके रहते हैं जो थोड़ा बहुत मोल्ड करते हैं चीज़ों को फैक्ट्स को उनको लोग पहचान जाते हैं सर हाल ही आप इस फिल्म को प्रमोट करेंगे जी हाँ किस तरह से करेंगे क्या अभी सोचा नहीं है लेकिन जल्दी ही हम लोग नोटबंदी को कैसे देखते हैं आप नोटबंदी जो हुई है 500,000 की नोट बंद हुई है तो आपके लिए हाँ मुझे याद आ गया यार 2,000 का छुट्टा है तुम्हारे पास कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप सरकार के अभी जो फिलहाल बहुत सारा जो ब्लैक मनी लोगों ने दबाया हुआ था हम सबके सामने ही है
तो सारा पैसा बाहर आ रहा है, लोग जमा करा रहे हैं या उन्हें इधर उधर खपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बैंक्स में ही आ रहा है और सरकार के पास ही आ रहा है जो अवैध पैसा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आई थिंक बहुत सारा ब्लैक मनी जो फंक्शनल नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो सारा यूज़ में आएगा और एक सिस्टम बनेगा। थोड़ा टाइम हम सब लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है ऐसा मैं सोचती हूँ। तो एक अच्छे भविष्य के लिए अगर हमको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों को असुविधा होती है बैंक की लाइन्स में लगना, लेकिन थोड़े समय के लिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं करूँगा तो आपको लोग देखते थे हंसते हैं। एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैड, अक्षय कुमार साहब की, उसके अंदर मेरा बड़ा एक संजीदा सा कैरेक्टर था और मैं बड़ा खुश हुआ था उस फिल्म के बाद कि पहले तो मेकर्स को थैंक यू कि उन्होंने सोचा कि इस किरदार के लिए मैं फिट हो सकता था। तो फिर मैंने, मेरा काम तो एक्टिंग करना है, निभाना है, लोगों का काम है उसको एक्सेप्ट करना। उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरा हौसला बढ़ा। तो डिफरेंट जॉनर ऑफ वर्क एक्टिंग लोग एक्सेप्ट करते हैं। सर गुट्टी का किरदार है वो बहुत पॉपुलर है जी, आम दर्शक से कैसे समझेंगे जी? आम दर्शक छोटे शहर के दर्शक को लोग क्या समझते हैं सर? दर्शक बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका हिंदी में देखो, कॉफ़ी की हिंदी तो मुझे पता नहीं है, डी की मतलब है ड, तो विद है साथ, तो हम लोग एक चाय कॉफ़ी का वर्जन हमारे इंडियन चल रही होता है डी चाय नहीं हिंदी सर, कॉफ़ी विद डी। जो समझ सकते हैं इस वर्डिंग को ये फिल्म उन्हीं के लिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं शायद बहुत थोड़े लोग होंगे, तो ये फिल्म शायद उनके लिए नहीं। सर सर गुट्टी का किरदार बहुत फेमस है, तो आपके बच्चे क्या कहते हैं, मतलब जब घर पे पॉपुलर आप जाते हैं सेंटर पे? मेरा लड़का है 6 साल, तो कुछ खुश होता है कि इस तरह किरदार निभाने? मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, शुरुआत में जब वो 3-4 साल का था, अब तो वो सयाना हो गया 6 साल का, अभी 20-22 साल में उसका ब्याह भी करते हैं। तो वो शुरू में मुझे कहता था, उसको लड़की बिल्डिंग के लड़के जो थे उसके दोस्त उसको छेड़ते थे कि यार तेरे पापा तो लड़की का रोल करते हैं, तो वो पापा आप लड़की रोल मत किया करो। मैंने कहा क्यों? तो कहता कि मैं नहीं बचता। तो मुझे पता चला कि शायद बच्चों ने बोला है, मैंने निकलवाया क्योंकि CID तो मैं भी देखता हूँ। तो मैं तो उसको फिर मैं मॉल में लेके गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने उसको बताया कि इतने सारे लोग जो हमको देख के स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, दिस कैरेक्टर इज़ द रीज़न वाई दिस सो मैनी पीपल आर स्माइलिंग। मे बी टू अर्ली फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बट ही गॉट इट। उनको थोड़ा सा समझ में आ गया कि माई फादर इज़ द रीज़न बिहाइंड सो मैनी स्माइल्स। तो अब वो बहुत गौरवान्वित होता है। अब तो खैर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन के आता हूँ, तो वो तो मर्द भी है, लेकिन अब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अदर ही इज़ प्राउड। कौन सा आपको पता ही आप क्या देख रहे हैं, तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि आप देख रहे हैं बॉलीवुड अड्डा, बस एंजॉय कीजिए। कहानी बहुत अलग दिख रही है, कॉफी विद टी जर्नलिस्ट है, अंडरवर्ल्ड है, क्या क्या अलग दिखाया आपने? सर एक जो बेसिक आइडिया था फिल्म का वो तो था ही कि एक फिल्म बनानी है ऐसे कि जिसमें, चूँकि उस वक्त मैं एक और फिल्म बना रहा था जो अभी आएगी मई में, जो अभी मैं ख़त्म करके आया हूँ कानपुर से, तो उसके बीच में मुझे लग वो बनने में थोड़ा वक्त लग रहा था, तो मैंने कहा कि एक कुछ छोटी सी मज़ेदार सी फिल्म बनाते हैं जो कि कुछ हटके हो। तो हटके में मतलब यही था यार, सब हटके बनाते हैं पर हटके होगा क्या, तो चलो एक ऐसे आदमी का फिल्म बनाते हैं जिसको हमेशा बॉलीवुड ने बहुत ग्लोरीफाई किया है कि हमेशा वो आता है तो हीरो हर पिक्चर में जो उसको प्ले करता है, तो मतलब हमेशा स्वैग में रहता है कि स्टाइल में रहता है, अदा में रहता है कभी मतलब, और बेचारा जबकि रियल लाइफ में जितना मैंने रिसर्च किया बैठ के मीडिया में, मैंने देखा उसको गैंग्रीन हो गई है, मैंने अभी पढ़ा, आई डोंट नो मतलब वो सही है कि नहीं, उसको वहाँ खाने के पैसे नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है, उसके आदमियों का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा बेचारे का ऐसा हाल हो गया और यहाँ पे लोग अभी भी लगे पड़े हैं वैसे ही, वो 1980 में स्टाइल मारता था, बिल्डिंग से कूदता था, पता नहीं बेचारे का क्या हाल है। मैं उस वाले आदमी पर, जिस आदमी का आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आदमी का फ़ोन भी रिचार्ज नहीं है उसके असिस्टेंट का, और वो पालक खाता था और वो वाकई में सब्जी चुराता था, एंड ज़्यादातर जितने जो कि वो रियल रहते हैं,
जो हमने रिसर्च से निकाले सब रियल जोक है। सिर्फ फर्क ये है कि जो इस रियलिटी को बहुत ग्लोरीफाई करके बॉलीवुड दिखाता है, उस रियलिटी को हमने एज इट इज करके दिखाया कि भाई ऐसे ही होता है। जो सब्जी चुराता था उसकी पहली गोली कैसे चली, सब कुछ है। तो हमें बड़ा इंटरेस्ट